चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है और क्या संयोग है? हर हर महादेव। चंद्र ग्रहण जो है ये 28 अक्टूबर 2023 आसीन माह की शरद पूर्णिमा को लग रहा है। चंद्र ग्रहण का समय जो है ये 28 तारीख को रात्रि 1:05 से 2:24 तक दर्शाया जा रहा है। और यह ग्रहण जो है ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में लगभग दिखाई देगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जहाँ जहाँ आप चर्चा कर सकते हैं हर जगह ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का असर पूरे ब्रह्मांड पर भी पड़ने वाला है। हमारा विश्व उथल पुथल की ओर जा रहा है और ये ग्रहण उथल पुथल लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हिला दो पूरे विश्व को। अतः इस ग्रहण में हम लोग अगर थोड़ा सा सजगता दिखलाए तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो ग्रहण में सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? तो ग्रहण को सबसे पहले आँख खुली आँखों से देखनी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो एक्सरे प्लेट लेकर के आप देखें तो आपकी आँखों की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ साथ ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करनी चाहिए। ग्रहण के समय में भोजन न करें। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ग्रहण चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक काल कहलाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल होती है। तो कोशिश करें कि सूतक काल में भोजन बना करके न रखें और जब ग्रहण का समय आवे तो सूतक काल से पहले उस भोजन का अगर समाप्ति हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो ग्रहण के बाद आपको उसे फेंकना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए तो दूसरे दिन स्नान करके शिव का आराधना करें। इसके साथ साथ दान पुण्य करें। आपको शास्त्रों में मिलेगा कि ब्राह्मणों को दान करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ब्राह्मण को ही दान कीजिए। आप दान किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं जो दान के योग्य हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो। जो पात्र है उसे दान दें, जो पात्र नहीं है उसे दान न दें। इसके साथ साथ एक चीज और, ये चंद्र ग्रहण जो है ये हमारे लिए कल्याण का रास्ता खोलने वाला है। तो किन किन राशि वाले को कल्याण का रास्ता खोलेगा? तो सबसे पहले है मिथुन और कन्या। इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 के बाद हमारा जो मेष राशि है ये राहु से फ्री हो जाएगा। जैसे ही फ्री हो जाएगा तो मेष राशि का भी कल्याण स्टार्ट हो जाएगा। मेष का मालिक मंगल है तो वृश्चिक का भी मालिक मंगल है, तो मंगल राशि वाले का भी फायदा शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ धनु और मीन राशि वाले का भी फायदा स्टार्ट 31 अक्टूबर 2023 के बाद। तो ये चंद्र ग्रहण फायदा ही फायदा लेकर के आया है। थोड़ी भक्ति की जरूरत है, थोड़ा शिव आराधना की जरूरत है, यह आप कीजिए कल्याण ही कल्याण। बाकी अन्य राशि का क्या स्थिति? अन्य राशि वाले भी फायदे में रहेंगे मगर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगी, क्योंकि शनि अभी गोचर से 11 अंक पर हैं, वो 5 अंक को देख रहे हैं। तो सिंह राशि वाले को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, पिता पुत्र में थोड़ा संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ मेष राशि वाले 31 अक्टूबर तक अवश्य प्रभावित रहेंगे। इसके बाद मीन राशि पर गोचर से राहु महाराज जा रहे हैं, तो मीन और धनु 3-4 महीने के बाद फिर से प्रभावित हो जाएंगे राहु के द्वारा, क्योंकि जैसे जैसे राहु का डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे मीन राशि वाले और धनु राशि वाले दोनों प्रभावित होने लगेंगे। इसके लिए आपको राहु का आराधना अवश्य आवश्यक पड़ जाएगा, राहु का जाप की आवश्यकता पड़ जाएगी। दुर्वादल में चंदन लगा करके गणेश भगवान के चरण पर चढ़ाइएगा तो आपको राहु से मुक्ति मिलेगा, राहु के प्रभाव उसका घटेगा। और इसका प्रभाव तो अच्छा नहीं माना जाता है, किसी भी ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, जैसे ही ग्रहण का प्रभाव समाप्त होगा राशि अपने अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे और सबका प्रभाव अच्छा ही अच्छा होना शुरू। एक बात ध्यान में रखें, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो कि चंद्र ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण के दरमियान हमें ईश्वर का आराधना करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण लग रही है तो चंद्रमा का आराधना करना चाहिए, ओम चंद चंद्राय नमः, ओम चंद चंद्राय नमः, ओम चंद चंद्राय नमः। इसके साथ साथ शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय। शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर आप विस्तृत करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करें, ओम हम ओम जुम स्व भूर्भुवस्व त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात् ओम भूर्भुवस्व जुम स्व हम ओम। इसका आप
मंत्र का जाप कर सकते हैं, यही आपका कल्याण का मार्ग खोल देगा। परिचय पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, हर हर महादेव।